नमस्कार मैम, मैंने बैंक ऑफ इंडिया के 500 शेयर खरीदे हुए हैं अपने 94 के भाव में मैम। तो इसको गिरावट में मैं एवरेज करूँ या इसका स्टॉप लॉस प्लीज बता सको तो मैम। स्नेहा राय दीजिए इन्हें, इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाल ही की खरीद लग रही है इनकी, ज्यादा तेजी देखने की उम्मीद है। आपको कंपनी में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाए, ये जानना चाह रहे कि इन स्तरों पर एवरेज भी करना है तो एवरेज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी आप इन्हें सुझा सकती हैं। मतलब तो इनको स्टॉक अच्छा लग रहा है, बट और कितनी तेजी यहाँ पर दिख सकती है बैंक ऑफ इंडिया में? अगर आप देखें तो रीजन भी काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव आया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा है बीच में, बट आई थिंक यहाँ से फिर से लाइक 75 के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक वापस तेजी कर रहा है। आई वुड से करके कि यहाँ पे होल्ड ही करने की सलाह रहेगी, और जो स्टॉप लॉस है दैट शुड बी अराउंड आप 87 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। अपसाइड में जो अभी रिसेंट हाई गया था 102 103 के आसपास वो जा सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि जब भी ये काउंटर ये लेवल्स क्रॉस करता है, और हालांकि जिस तरह की चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है कि ये क्रॉस हो जाएगा, तो उन्हें 110 115 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई वुड से इसे होल्ड करें, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, उनके बाइंग लेवल्स के आसपास ही है ऑलरेडी। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया को होल्ड करें, 110 रुपये तक शेयर में चाल दिखाने का दमखम है।